कौन है भारत का मूल निवासी? ब्राह्मण बनाम द्रविड़ की बहस में कितना दम? ब्राह्मण दावा करते हैं कि वेद बहुत पुराने हैं, लेकिन राखी गढ़ी के सबूत और कंकाल की डीएनए प्रोफाइलिंग ये दावे को खारिज कर देती है। क्या विदेशी आर्यों ने मिटाई थी मूल निवासी सभ्यता? ये दरअसल इसके नीचे वो जगह है जहां पर खुदाई हुई थी, लेकिन अब इसको ढक दिया गया है। राखी गढ़ी के कंकाल ने खोला सबसे बड़ा राज। धरती फाड़ कर निकला सिंधु घाटी सभ्यता से भी बड़ा शहर, और ये करीब 5000 साल पुरानी ईंट है जो यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके नीचे आप खोलेंगे, खुदाई करेंगे तो एक पूरा शहर आपको मिलेगा जो पक्की ईंटों का शहर बना हुआ है। आज देखिए विदेशी आर्यों की पूरी जन्म कुंडली। कौन है भारत का मूल निवासी? ये वो सवाल है जिसने कई सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप में हलचल मचा रखी है। इतिहासकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक हर कोई सवाल का जवाब तलाशते हुए आर्यों के भारत आने के सिद्धांत पर जा पहुंचा है। आज भारत के सवर्णों के डीएनए की पड़ताल होती है तो क्यों कनेक्शन सीधे यूरोप से जुड़ जाता है? तो क्या आर्य सच में विदेशी जमीन से भारत आए थे? क्या आर्यों ने भारत की मूल निवासी सभ्यता को नष्ट करके मूल निवासियों को गुलाम बना लिया था? हजारों साल पहले जो कभी आलिशान शहर हुआ करते थे वो रहस्यमय ढंग से अचानक गायब कैसे हो गए? ऐसे तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए द न्यूज वीक की टीम एक ऐसी जगह पहुंची जहां धरती खुद ही जवाब उगलती है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार जिले के राखी गढ़ी गाँव पहुँच कर हमने अपने जवाब ढूंढने की कोशिश की। क्या आर्य विदेशी नस्ल के लोग थे जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना लिया? ये वो सवाल है जिसका जवाब तलाशने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये राखी गढ़ी नाम की एक पुरातत्विक साइट है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के साथ जोड़कर देखा जाता है, और बताया जाता है कि ये एक बहुत प्राचीन सभ्यता थी। करीब 5000 साल का पुराना ये एक जगह है जहाँ पर जो ट्रेसेस मिले हैं, और जो ट्रेसेस मिले हैं, जो यहाँ पर निशान मिले हैं, बर्तन मिले हैं, ईंटें मिली हैं और कंकाल मिले हैं, उससे सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ आर्यों की जो थ्योरी है कि आर्य विदेश से आए थे उस पर भी कई चौंकाने वाले दावे हुए हैं। और जो कंकाल की डीएनए प्रोफाइलिंग हुई है जो करीब 4600 साल पुराना है उससे भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, रहस्यों से पर्दा हटा है। तो क्या आर्य विदेशी थे? क्या वो विदेशी नस्ल के लोग जिन्होंने भारत के मूल निवासियों पर हमला किया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया और फिर ब्राह्मणवादी सभ्यता को, चतुर्वर्ण को, जात पात को यहाँ पर स्थापित कर दिया? उसका जवाब आपको राखी गढ़ी की इन खंडहरों से मिलेगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं आज आर्य बना मूल निवासी सिद्धांत के वैज्ञानिक प्रमाण और जो कि पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसके आधार पर आपको मैं कुछ बेहद दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं। राखी गढ़ी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां जमीन के नीचे पूरे के पूरे शहर का पता चला है। ये शहर हड़प्पा काल के बताए जा रहे हैं, लेकिन राखी गढ़ी सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि वहां प्राचीन शहर मिले हैं, इसके खास होने की सबसे बड़ी वजह कुछ कंकालों का मिलना है। ये कंकाल करीब 4600 साल पुराने बताए गए हैं। इस कंकाल की जब डीएनए जांच की गई तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस कंकाल में वो जीन नहीं मिला जो उत्तर भारत के सवर्ण पुरुषों में मिलता है। नॉर्थ इंडिया के सो कॉल्ड अपर कास्ट मर्दों में R1A1 जीन पाया जाता है जिसे आर्य जीन भी कहते हैं, लेकिन करीब 4600 साल पुराने इस कंकाल में आर्य जीन का नामो निशान भी नहीं मिला।
वैज्ञानिकों के इस रिजल्ट ने आर्य बनाम द्रविड़ की थ्योरी पर मुहर लगा दी कि प्राचीन भारत के लोग आर्य नहीं थे। मैं जिस जगह पर हूँ ये टीला नंबर एक है और इससे पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं कुछ तिरपाल लगाए हुए हैं, कुछ इसको शेड से ढक दिया गया है। इसके नीचे कई ऐसे जो निर्माण हैं वो निकले हैं जिससे इस नगर के बारे में बहुत अहम जानकारियाँ मिलती हैं। पक्की गलियों का एक निवास स्थान है, घर बने हुए हैं, इमारतें बनी हुई हैं, बर्तन हैं, जिससे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ इसके ट्रेसेस मिलते हैं, लिंक मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी दावा है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना शहर हो सकता है। लेकिन अभी इसको यहाँ पर ढक दिया गया है क्योंकि अभी यहाँ खुदाई रुकी हुई है और जो फाइंडिंग्स हैं उसको कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये शेड बना के यहाँ पर ढक दिया गया है। लेकिन इसके पीछे कई तरह के अलग कयास भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो राखी गढ़ी से कंकाल मिला है वो कंकाल करीब 4600 साल पुराना है, यानी कि करीब 5000 साल पुराना कंकाल यहाँ पर मिला है, जिस कंकाल को टीला नंबर 7 से प्राप्त किया गया था, खुदाई में उसको ढूंढा गया था। लेकिन उस कंकाल को जब डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजा गया, उसके सैंपल्स की साइंटिफिक जांच हुई, तो उसने इस देश की मूल निवासी सभ्यता और संस्कृति को लेकर तमाम तरीके के दावे कर दिए और नए खुलासे कर दिए, जिसके बाद आर्य बनाम मूल निवासी थ्योरी को और भी ज़्यादा बल मिल गया। दरअसल हुआ ये कि ये जो कंकाल है इसकी जो डीएनए प्रोफाइलिंग हुई उससे ये पता चला कि इस 4600 साल पुराने कंकाल का जो डीएनए है वो उत्तर भारत के जो कथित अपर कास्ट के लोग हैं, जिन्हें आर्य नस्ल का भी कहा जाता है, उनके साथ उसका मिलाप नहीं होता है क्योंकि जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनमें R1A1 नाम का जीन पाया जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आर्य जीन भी कहा जाता है कि वो आर्य जीन है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के जो पुरुष हैं ज़्यादातर उनमें वो डीएनए मिलता है। लेकिन जो 5000 साल पुराना कंकाल राखी गढ़ी में मिला उसने साबित कर दिया कि उसके अंदर R1A1 जीन नहीं है, यानी यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो मूल निवासी सभ्यता के लोग थे और वो आर्यों के आने से पहले ही उनकी संस्कृति इतनी विकसित थी कि वो तमाम तरीके के विकसित नगरों में रहते थे, तमाम सुख सुविधाओं के साथ रहते थे। तो इस खोज ने अपने आप में ये दावा पुख्ता कर दिया कि आर्य विदेशी नस्ल के थे, वो बाद में यहाँ पर आए थे और जो भारत के मूल निवासी थे उन्होंने अपने दम पर ऐसी सभ्यताएं विकसित की थी। राखी गढ़ी के कंकाल की डीएनए प्रोफाइलिंग ने सिर्फ ये साबित नहीं किया कि उत्तर भारत के सवर्ण हिंदू मर्दों का डीएनए दक्षिण भारतीयों से अलग है, बल्कि इसने वैदिक युग के दावों पर भी सवाल या निशान लगा दिया। इसी कड़ी में जोड़कर देखने पर आपको पता चलेगा कि जिन वेदों को सनातनी हिंदू सबसे प्राचीन बताते हैं वो भी राखी गढ़ी काल में नहीं लिखे गए थे, बल्कि उन्हें बाद में गढ़ा गया, जिसमें ब्राह्मणों ने खुद को सबसे ऊपर स्थापित कर लिया। हिंदू संस्कृति में ये दावा किया जाता है कि वेद बहुत पुराने हैं, परमपिता ब्रह्मा ने वेदों को लिखा और इनका दावा किया जाता है कि वो दुनिया के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं। लेकिन राखी गढ़ी से जो कंकाल मिला और जो डीएनए प्रोफाइलिंग हुई, जो सबूत यहाँ पर मिले, उसने कई तरह के निष्कर्ष निकाल दिए। सबसे बड़ा निष्कर्ष तो ये निकला कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो हिंदू धर्म की शुरुआत करने वाले लोग नहीं थे, यानी उन्होंने हिंदू धर्म शुरू नहीं किया था, वो गैर हिंदू सभ्यताएं थी उस समय तक, जिसे सनातन कहते हैं कि वो सबसे पुराना था, हिंदू धर्म सबसे पुराना है। ये साबित होता है कि हिंदू जो लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं रहते थे, उस समय तक हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कोई मतलब वहाँ पर नहीं था, ये बड़ी बात निकल कर आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह निकल कर आती है कि ब्राह्मण दावा करते हैं कि वेद बहुत पुराने हैं, लेकिन राखी गढ़ी के सबूत और कंकाल की डीएनए प्रोफाइलिंग ये दावे को खारिज कर देती है और बताती है कि वेद जो हैं वो करीब 1500 साल पहले ही लिखे गए थे, यानी कि ये वेद जो हैं जिन्हें ये ब्रह्म वाक्य कहते हैं, ईश्वर के मुँह से पैदा हुआ बताते हैं और कहते हैं कि बहुत पुराना है, सबसे बड़ी सभ्यता के निशान हैं, वो सिर्फ 1500 साल पहले ही लिखे गए हैं, यानी कि ईसा, जिसे हम ईसा के साथ शताब्दी जोड़ते हैं, ईसा के बाद लिखे गए हैं, ईसा के बाद की सदियों में लिखे गए हैं, 1500 साल पहले ही वेदों को लिखा गया है, यानी वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं उन पर भी सवालिया निशान राखी गढ़ी के सबूत लगा देते हैं कि वहां पर जो बातें लिखी गई हैं वो दरअसल चतुर्वर्ण व्यवस्था को, कि चार
वर्ण हैं, मैंने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया, भुजाओं से क्षत्रियों को पैदा किया, जांघों से वैश्यों को पैदा किया, पैरों से शूद्रों को पैदा किया, ये जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्ता दसवां मंडल में ये बात लिखी है, राखी गढ़ी के सबूत इस बात को दोहरा देते हैं कि ये मनगढ़ंत बातें हैं और अपने हिसाब से लोगों ने लिखी है, क्योंकि जिसने लिखा है उसने अपनी ही थ्योरी उसमें घुसा दी है, अपने फ़ायदे के लिए उनको लिखा गया है, क्योंकि जो राखी गढ़ी के कंकाल हैं उसका तो कोई डीएनए प्रोफाइल आर्य जीन से नहीं मिलता है, ये हिंदू सभ्यता को शुरुआत करने वाले लोग नहीं हैं, मूल निवासी हैं, तो वेदों की क्रेडिबिलिटी पर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है और ब्राह्मणों का ये दावा झूठा साबित हो जाता है कि वेद सबसे पुरानी किताब हैं, जबकि इसकी जो लिखने की समय काल माना जाता है राखी गढ़ी के सामने आने के बाद वो सिर्फ 1500 साल पहले का ही है, यानी उससे पहले वेद नहीं थे, जिसने लिखा उसने अपने हिसाब से सब कुछ गढ़ डाला, अपने आप को सबसे ऊपर बिठा दिया और बाकी को सबसे नीचे बिठाकर मौज करी। ब्राह्मणवादी लोग दावा करते हैं कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, वो इसे देवताओं की भाषा बताते हैं और आज भी ब्राह्मण पुरोहित ज्यादातर कर्मकांड संस्कृत में ही करते हैं। लेकिन इस खोज के नतीजों को अगर सच माना जाए तो इससे ये पता चलता है कि संस्कृत भाषा भारत की प्राचीन भाषा नहीं थी, क्योंकि यहाँ मिले अवशेषों में संस्कृत भाषा के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जिस हिंदू धर्म को आदिकाल का धर्म बताया जाता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि राखी गढ़ी या हड़प्पा सभ्यता के लोग हिंदू धर्म या संस्कृत के मूल स्रोत नहीं थे, क्योंकि ये सभ्यताएं गैर हिंदू सभ्यताएं थी। तो राखी गढ़ी में जो कंकाल मिला है उसमें R1A1 जीन यानी आर्य जीन नहीं है, यानी कि वो भारत के मूल निवासी किसी व्यक्ति का ही जीन है, लेकिन उसको आसान भाषा में आप आर्य बनाम मूल निवासी सिद्धांत पर अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका निष्कर्ष ये है, परिणाम ये निकला है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो संस्कृत और हिंदू संस्कृति के मूल स्रोत नहीं थे। ये रिसर्च में पाया गया है कि वहाँ से आप अगर कहें कि वो मूल स्रोत थे संस्कृत भाषा के और हिंदू संस्कृति के, ऐसा नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा इसमें फाइंडिंग ये रही कि वर्तमान जो भारतीय हैं और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनमें जेनेटिक कनेक्शन है, ये अपने आप में एक बड़ा दावा होता है कि जो अभी भारत के आप लोग देखते हैं और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उसमें जेनेटिक कनेक्शन है, क्योंकि जो डीएनए प्रोफाइलिंग हुई है उससे ये साबित होता है कि उनमें एक जेनेटिक कनेक्शन है, यानी कि कोई उनमें मूल निवासियों में और R1A1 जीन वाला यानी कि जो विदेशी नस्ल के आर्य नस्ल के जो लोग हैं उनमें भिन्नता है, उनमें फ़र्क है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्यों के मुकाबले द्रविड़ों के ज़्यादा करीब मिलते हैं, ये भी फाइंडिंग में मिला कि जो यानी कि अगर हम राखी गढ़ी को हड़प्पा सभ्यता के साथ जोड़ें, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जोड़ें और इसकी जो डीएनए प्रोफाइलिंग है उसको समझें तो आपको पता चलेगा कि जो भारत के द्रविड़ लोग हैं यानी कि जो दक्षिण भारत के रहने वाले लोग हैं उनके साथ इसकी डीएनए प्रोफाइलिंग काफ़ी मैच करती है, वो काफ़ी करीब मिलते हैं, जबकि उत्तर भारत के जो हिंदी पट्टी जिसे आप कहते हैं वहाँ पर रहने वाले सवर्ण पुरुषों अपर कास्ट जातियों के लोगों के साथ यहाँ के कंकाल का जो डीएनए है वो मैच नहीं करता। भारत में जो उत्तर भारत में सवर्ण लोग रहते हैं उनकी आर्य जीन जो R1A1 जीन है करीब 17.5% उसमें परसेंटेज पाई जाती है कि वो उत्तर भारत के सवर्ण पुरुषों में 17.5% आर्य जीन होता है, R1A1 जीन होता है, लेकिन ये प्रोफाइल दक्षिण भारत के लोगों में नहीं होती। दक्षिण भारत के लोगों का जीन डीएनए अलग है और वो डीएनए राखी गढ़ी में मिले कंकाल से मैच करता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं उसके साथ यहाँ मूल निवासी कंकाल सिद्धांत के साथ जुड़ जाता है और उत्तर भारत के लोगों को जिनमें आर्य जीन है उन्हें ये विदेशी नस्ल का साबित कर देता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जलन में आर्यों को विदेशी नस्ल का बता रहे हैं तो जरा रुक जाइए, आर्य विदेशी नस्ल के हैं ये सिद्धांत भारत के किसी भी मूल निवासी ने नहीं दिया, बल्कि सबसे पहले सवर्ण हिंदू और ब्राह्मणों ने ही ये सिद्धांत दिया था। बड़े बड़े हिंदू विद्वानों का ये दावा है कि यूरेशियन लोग बाहर से भारत में आए थे। आर्य बनाम भारत के मूल निवासी सिद्धांत की जो थ्योरी है वो बहुत पुरानी है, वो कोई नई थ्योरी नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब भारत में जो खासकर ब्राह्मण तबके के लोग थे वो ये दावा करते थे कि वो आर्य नस्ल के हैं।
इसके ट्रेसेस आपको दयानंद सरस्वती से भी मिलते हैं, जो कि आर्यो का मूल निवास स्थान तिब्बत को बताते हैं। अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में वो लिखते हैं कि आर्य तिब्बत से मूल रूप के वो रहने वाले थे और वहाँ से उन्होंने ट्रेवल किया, इंडिया वो आए। लेकिन आप जब बाल गंगाधर तिलक पर जाते हैं तो आर्किटिक होम्स ऑफ वेदास में वो लिखते हैं कि जो आर्य नस्ल के लोग हैं वो दरअसल आर्कटिक के रहने वाले हैं, वो नॉर्थ पोल से आए हैं और वो भारत में आके बसे, तो वो भी अपने आप को दावा करते रहे कि वो आर्य बाहर से आए हैं। आप गोलवलकर को जब पढ़ेंगे तो वो भी इस तरह का दावा करते हैं, जो कि आरएसएस और हिंदुत्व के गुरु माने जाते हैं, वो भी इस तरह का दावा करते हैं कि जो नॉर्थ पोल है, आर्कटिक होम्स है, वहाँ से ये लोग यहाँ ट्रैवल करके आए थे। यानी ये कहना कि आर्य विदेशी हैं, ये दरअसल भारत के मूल निवासी लोग ऐसा नहीं कह रहे। इसकी शुरुआत जो है वो ब्राह्मण तबके ने या सवर्ण तबके ने ही की थी, उन लोगों ने ही दावा किया था कि हम लोग विदेशी हैं। और इसके पीछे की वजह एक ये भी बताई जाती है, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ भारत में थे और अंग्रेज़ों से अपना नज़दीकी रिश्ता बताने के लिए कि हम आपके ही जैसे हैं, हम आपकी ही तरह सोचते हैं, हमारी नस्ल आपके ही जितनी प्योर है, आर्य, क्योंकि हिटलर का जो रेस थी वो भी अपने आप को आर्य ही बताते थे। जर्मनी के जो लोग थे वो कहते थे हम सबसे श्रेष्ठ हैं, आर्य नस्ल सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरह के तमाम दावे किए गए हैं जो ये बार बार कहते हैं। भारत के देखिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, वो भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे जो यूरेशिया है वहाँ से ट्रेवल करते हुए आर्य भारत में आए थे। तो ये कहना कि आर्य विदेशी हैं, ये सिर्फ मूल निवासियों का कहना नहीं है। मूल निवासी उस समय अपने सिद्धांत, अपने लिखने, इतिहास लेखन के तो उसमें लायक ही नहीं छोड़ा था, वो तो लिख ही नहीं पाते थे, जो लिख रहे थे उन्हीं का ये बड़ा दावा है। यानी हिंदू विद्वान खुद ही आर्यन थ्योरी को सही मानते हैं, लेकिन इनके अलावा इतिहासकार और जेनेटिक स्टडी के एक्सपर्ट्स भी डीएनए अध्ययन के आधार पर यह दावा करते हैं कि यूरेशियन लोग घास के मैदानों से भारत आए थे। हार्वर्ड स्कॉलर वगीज नरसिम्हन ने साल 2018 में द जेनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया नाम से अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश की थी। वगीश का यह भी मानना है कि जेनेटिक अध्ययन से पता चलता है कि यूरेशियन लोगों ने घास के मैदानों यानी स्टेपी से प्लान किया था और ये 2300 BCE से 1500 BCE के बीच स्टेप से तुरंत तक फैल गए थे। इसके बाद ये लोग इंडस पेरिफ्री यानी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास फैल गए। यानी वगीश का दावा तो यही है कि आर्य विदेशी नस्ल के हैं। 16 जून 2017 को द हिंदू अखबार में इतिहासकार टोनी जोसेफ के छपे लेख में यही दावा किया गया कि आर्य विदेशी नस्ल के हैं। वहीं 2017 में बीएमसी इवोल्यूशन बायोलॉजी पत्रिका में ए जेनेटिक क्रोनोलॉजी फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पॉइंट्स टू हेवीली सेक्स बायस डिस्पर्सल नाम से एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्यों ने कांस्य युग में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था। ये रिपोर्ट यूरेशिया के 16,244 पुरुषों की डीएनए जांच पर आधारित है, जिसके मुताबिक यूरेशिया में रहने वाले पुरुषों और उत्तर भारत के सवर्ण पुरुषों का डीएनए आपस में मिलता है। रिपोर्ट की माने तो सिर्फ आर्य पुरुष ही भारत आए थे, क्योंकि भारतीय महिलाओं में हैप्लो ग्रुप R1a जीन नहीं मिलता। यानी पुरातात्विक और वैज्ञानिक दोनों ही सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि घोड़े पालने वाले पशुपालक विदेशी आर्य भारत में आए थे। लेकिन इतिहास में ऐसा घालमेल किया गया कि झोपड़ियों में रहने वाले वैदिक युग को महान सभ्यता बताया जाता है, जबकि झोपड़ियों में रहने वाले वैदिक युग के लोगों से पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित और शहरी सभ्यताएं मौजूद थी, जहां ईंटों के पक्के मकान थे। तो ये ईंट जो है, ये ईंट आपको यहाँ राखीगढ़ी में देखने को मिलेगी और ये पक्की ईंट है और ये करीब 5,000 साल पुरानी ईंट है, जो यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके नीचे आप खोलेंगे, खुदाई करेंगे तो एक पूरा शहर आपको मिलेगा जो पक्की ईंटों का शहर बना हुआ है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो हिंदू प्रतीकों को लेके या देवी देवताओं को लेके जो माइथोलॉजिकल शो बनते हैं, फिल्में बनती हैं, उसमें आपको वैदिक संस्कृति, वैदिक काल का जिक्र किया दिखाई देता है, जिसमें लोग हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है और वहाँ लोग झोपड़ियों में रहते हैं। वो वैदिक एज का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। वो बताते हैं कि ये वैदिक एज में लोग झोपड़ियों में रहते थे, जंगल में रहते थे, कंदमूल खाते थे। लेकिन आप देखिए, ये 4600 साल पहले, 5000 साल पहले की ईंट ये साबित करती है कि भारत में, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, नगरीय सभ्यताएं विकसित हो चुकी थी, यानी कि सिटीज़ का निर्माण हो चुका था, पक्के मकान रहते थे, लोग इतने विकसित थे कि वो ईंट बनाते थे, बर्तन बनाते थे, तमाम तरीके के निर्माण करते थे और उन्होंने ये शहर बसाए हैं।
तो फिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, ये क्या हो गया कि अचानक जो लोग पहले ईंटों के घर में रहते थे, बड़ी बड़ी 4 मंजिला 5 मंजिला इमारत पक्की ईंटों के मकान में रहते थे, फिर अचानक वो मकान बनाना भूल गए, अचानक उनकी निर्माण कला लुप्त हो गई, वो ईंटों को बनाना भूल गए, वो घर बनाना भूल गए, वो चूने का इस्तेमाल करना भूल गए, वो बर्तन बनाना भूल गए, और उन्होंने क्या किया, झोपड़ियाँ बना ली। और झोपड़ियों वाले काल को वैदिक युग को कहते हैं कि वो स्वर्णिम युग था, वो सतयुग था, वो बहुत अच्छा युग था। अब आप विकसित अगर थे तो ईंट क्यों नहीं बना पाए, आप अपना पक्का मकान क्यों नहीं बना पाए, जबकि आपसे पहले ये पक्के निर्माण यहाँ इस देश के मूल निवासियों ने किए थे, ये उसके सबसे बड़े सबूत हैं। और वैदिक परंपरा के लोग अपने आप को कहते हैं कि हम विकसित थे, तो अगर आप झोपड़ी बनाकर विकसित थे तो जो ईंट बना सकता था, जो पक्का मकान बना सकता था, वो आपसे कितना विकसित था। यानी भारत के मूल निवासी लोग बहुत अच्छी हालत में थे, बहुत बढ़िया जगह पर रहते थे, लेकिन जब आर्यों के साथ उनका आक्रमण हुआ, उन्होंने षड्यंत्र किए तो उनको गुलाम बना दिया, और उन्होंने दक्षिण की तरफ विंध्य के पार उनको धकेल दिया, और यहाँ पर उन्होंने कब्जा करके ब्राह्मणवादी संस्कृति को हावी कर दिया। यानी जानकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता या उस समय की अन्य भारतीय सभ्यताओं में सनातनी हिंदू लोग नहीं रहते थे। आर्य बनाम द्रविड़ थ्योरी की माने तो आर्यों ने सिंधु घाटी जैसी मूल निवासी सभ्यता को नष्ट कर दिया और भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना लिया। लोग ये भी कहते हैं कि उसके बाद आर्यों ने ब्राह्मणवाद को स्थापित किया और चतुर्वर्ण के नाम पर वेदों और ग्रंथों में खुद को सबसे ऊपर बिठा लिया। मूल निवासी सिद्धांत ये दावा करता है कि भारत में जब ये विदेशी नस्ल के आर्य आए तो यहाँ रहने वाले मूल निवासियों के साथ उनका टकराव हुआ, उनमें भयंकर युद्ध हुए, और इन्होंने जो आर्य नस्ल के लोग थे, इन्होंने चालाकी से किसी तरह भारत के मूल निवासियों को हरा दिया, और लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि लोग लड़ते लड़ते जो विंध्य पर्वत है, विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, उसके पार इन्होंने मूल निवासियों को खदेड़ दिया। तो जो द्रविड़ भारतीय हैं उन्हें भारत का मूल निवासी कहा जाता है, और विंध्य के पार वो जाकर बस गए और उत्तर भारत पर आर्यों ने कब्जा कर लिया। आगे चूंकि समंदर था और समंदर पार नहीं किया जा सका, इसलिए लोग दक्षिण भारत के तटों पर जाकर बस गए, जो भारत के मूल निवासी लोग थे, और उत्तर भारत पर आर्यों ने कब्जा कर लिया। तो अगर आप देखें कि उत्तर भारत में आपको वैदिक हिंदू ब्राह्मणवादी संस्कृति के जो प्रतीक हैं, मठ हैं, वो आपको बड़ी संख्या में इस एरिया में उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। तो कहा जाता है कि आर्यों ने, ब्राह्मणों ने इस उत्तर भारत पर कब्जा किया और यहाँ जो लोग बच गए थे उनको गुलाम बना लिया, अपना गुलाम बनाकर उनको चतुर्वर्ण में विभाजित करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का श्रेणी बना दिया, और बाद में फिर अनटचेबल्स और दलितों को आउटकास्ट करते हुए चतुर्वर्ण से बाहर किया गया, और उनको तमाम वो काम करने को दिए गए जिनसे कई तरह की गंदगी जुड़ी हुई थी, और कई तरह के जो खराब काम माने जाते थे वो उनसे कराए गए। तो कुल मिलाकर मूल निवासी सिद्धांत को ये थियरी पुख्ता करती है कि आर्य विदेश से आए थे, क्योंकि यहाँ पर जो कंकाल मिला है वो 4600 साल पुराना कंकाल है, और उस कंकाल से ये साबित हो जाता है कि जो उत्तर भारत के लोग हैं उनमें R1A1 आर्य जीन है, लेकिन यहाँ जो कंकाल मिला सबसे पुराना उसमें आर्य जीन नहीं है, बल्कि इस कंकाल की DNA प्रोफाइलिंग दक्षिण भारत के लोगों से मिलती है, उत्तर भारत के लोगों से नहीं मिलती। तो ये कहीं ना कहीं आर्य थियोरी को मजबूत करती है। यूं तो राखीगढ़ी की खोज 1963 में ही कर ली गई थी, लेकिन इसकी खुदाई इतनी तेजी से नहीं की गई जितनी की होनी चाहिए थी। 1990 के दशक में यहां खुदाई की गई जिसमें कई ऐतिहासिक चीजें बरामद हुई। 1969 में प्रोफेसर सूरजभान की खोज से ये पता चला कि राखीगढ़ी के पुरातत्विक अवशेष और बस्तियां हड़प्पा संस्कृति जैसी हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये बस्तियां 500 हेक्टेयर से भी ज्यादा में फैली हैं। वहीं कार्बन डेटिंग के मुताबिक जो चीजें यहाँ मिली हैं वो ईसा से पहले 5वीं शताब्दी से 3री शताब्दी के बीच की हैं। यानी राखीगढ़ी को अगर पूरा खोद दिया जाए तो मानव सभ्यता से जुड़े अनेकों राज खुल सकते हैं, लेकिन फिलहाल राखीगढ़ी साइट को ढक दिया गया है। दावा ये है कि जल्द ही फिर से यहाँ खुदाई की जाएगी, लेकिन कुछ लोग इसे बहुजन इतिहास को छुपाने की आशंका भी बता रहे हैं। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ ये टीला नंबर 1 है, जिसे RG1 भी कहा जाता है, और इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उसकी तरफ से यहाँ पर खुदाई की गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल इस खुदाई को यहाँ पर ढक दिया गया है। आप जो ये काले रंग की जो पॉलीथीन देख रहे हैं, ये दरअसल इसके नीचे वो जगह है जहाँ पर खुदाई हुई थी, लेकिन अब इसको ढक दिया गया है,
और ढकने के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि वो ख़राब ना हो जाएं, उसकी शेड अभी नहीं बनी है और यहाँ दोबारा खुदाई होगी, उसके बाद फिर से उन चीज़ों को निकाला जाएगा। तो नीचे जो हैं वो आपको ईंटें दिखाई देंगी, आपको इमारत दिखाई देगी, आपको घर और इमारतें बनी हुई दिखाई देंगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपको इसी तरह का नज़ारा मिलेगा, कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसको नीचे इस तरह से ढक दिया गया है। राखी घड़ी में अभी भी बहुत से टीलों की खुदाई करना बाकी है क्योंकि ज्यादातर हिस्सों पर अब गांव बसे हुए हैं। घनी आबादी होने के कारण गांव को खाली नहीं कराया जा रहा, लेकिन अगर पूरी साइट की खुदाई की जाए तो ये 500 हेक्टेयर से भी ज्यादा में फैली है। तो मेरे पीछे जो आप गांव देख रहे हैं वो राखी खास है। राखी घड़ी में दो गाँव आते हैं, राखी खास और राखी शाहपुर, और ये गांव जहां बसा हुआ है इस पर भी दावा किया जाता है कि ये दरअसल राखी गढ़ी की इसी साइट पर, जो पुरातत्विक साइट है उसी पर बसा हुआ है, और इसके नीचे भी वो पूरा का पूरा शहर है। दावा है कि करीब 500 हेक्टेयर की ज़मीन के नीचे ये शहर बसा हुआ है, यानी अगर इस गांव को खोदा जाए, इस गांव की खुदाई हो तो उसके नीचे भी आपको राखी गढ़ी के सबूत मिलेंगे। जो प्राचीन सभ्यता है, जो ऐतिहासिक सभ्यता है, उसके आपको ट्रेसेस यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे कई टीले हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये टीला नंबर 1 है, लेकिन यहाँ ऐसे करीब 11 टीले हैं जो अलग अलग साइट पर बने हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक आबादी रहती है, गांव के लोग रहते हैं, तो उनको उजाड़ा नहीं गया है। जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी उसकी खुदाई की गई है, जिसमें चौंकाने वाले आपको रहस्य मिले हैं, दावे मिले हैं, जो कि अपने आप में कई तरह के सिद्धांतों को नया रूप देते हैं। यूं तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर हर किसी को भारतीय नागरिकता दे दी है, और अब आर्य बनाम द्रविड़ की बहस से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन फिर भी जो लोग खुद को जन्मजात श्रेष्ठ बताकर दूसरों को नीचा मानते हैं, संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं, जातिवाद करते हैं और दूसरे लोगों के अवसर छीन लेते हैं, ऐसे लोगों को उनकी हकीकत बताकर आत्मचिंतन का मौका तो दिया ही जा सकता है। अभी तो राखी गढ़ी में कुछ ही कंकाल और अवशेष मिले हैं, और उसने डीएनए से लेकर वेदों और संस्कृत भाषा से लेकर वैदिक युग तक सनातनियों के सारे दावों पर सवाल या निशान लगा दिया है। अब जरा सोचिए, अगर पूरी खुदाई हुई तो फिर क्या कुछ सामने आ सकता है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि राखी गढ़ी का इतिहास अभी बाकी है। अभी राखी गढ़ी में 1% भी खुदाई नहीं हुई है। करीब 500 हेक्टेयर एरिया में इसकी निशान मौजूद हैं, यानी कि वो यहाँ पर फैला हुआ है, जिसके बहुत ही कम इलाके में अभी खुदाई हुई है। कुल 11 टीलों के अभी निशानदेही हुई है, क्योंकि बाकी के इलाके में गांव बसा हुआ है, आबादी है। तो यहाँ अगर खुदाई होती है तो समझिए कि इस ज़मीन से, यहाँ की मिट्टी से कितने नए राज खुल सकते हैं, कितने रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। तो जो लोग दावा करते थे कि वैदिक युग में वो झोपड़ियों में रह के बहुत महान हो गए थे, उनको ये हकीकत दिखाता है कि कैसे भारत के मूल निवासी लोग पक्के मकानों के शहरों में, नगरों में रहा करते थे। ये R1A1 जीन जो आर्य जीन है उस पर भी एक पर्दा उठाता है कि कैसे जो आर्य नस्ल के सवर्ण भारतीय पुरुष हैं उनके साथ यहाँ के कंकाल का डीएनए नहीं मिलता और वो दक्षिण भारतीयों के ज़्यादा करीब हैं। तीसरी सबसे बड़ी इसमें जो एक कहें कि हम रिसर्च सामने आई है वो ये है कि वेद जो हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखे गए हैं, वो अभी नहीं लिखे गए हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो हिंदू धर्म या संस्कृत भाषा के, संस्कृति के मूल स्रोत नहीं थे। ये अपने आप में अहम दावे हो जाते हैं। तो इनके बारे में ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, साइंटिफिक सबूतों के साथ हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, आपको एक समझ बनाने में आसानी हुई होगी। भारत के जो मूल निवासी हैं और आर्य हैं उनके बीच के टकराव को समझने के लिए भी ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। इस सभ्यता पर, मूल निवासी थ्योरी पर, आर्य बनाम मूल निवासी सिद्धांत पर, राखी गढ़ी के साक्ष्यों पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बाकी लोगों को भी इस लुके छुपे इतिहास को समझ लेना चाहिए कि कैसे हमारे लोगों का इतिहास ज़मीन फाड़कर खुद ही बाहर आ रहा है। आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और मैं आपको हरियाणा के हिसार से राखी गढ़ी, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी नामित किया गया है, वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआत के जहाँ पर निशान मिलते हैं, वहाँ से आपको ये रिपोर्ट मैं अपने साथी मोहित कुमार के साथ दिखा रहा हूँ। आपसे अपील है कि अगर हमारा काम आपको पसंद हो तो हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सपोर्ट ज़रूर करें।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।